आए अब इस सोल्यूशन में जो वर्किंग इन्वॉल्व हुई है और उसका जो फाइनल सोलूशन बनता है वो उसके पार्ट्स मैंने बनाए ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए ज़्यादा देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियरली इनडायरेक्ट मेथड से बनाई गई है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है प्रॉफिट और उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और ये कंट्रोल करके एडजस्टमेंट्स किए हैं आपने जिसमें डिविडेंट रिसीव एसोसिएट से आ गया डेप्रक्सपेंस की एडजस्टमेंट हो गई लॉस ऑन फिक्स सेल ऑफ फिक्सड एसट्स आ गया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी आ गया डेफ्रीजमेंट एक्सपेंस रहा है वो भी एडबैक हो गए और इनक्रीज डिग्री एंड ट्रेड डेटर्स स्टॉक एंड वर्किंग प्रोग्रेस और इनक्रीज इन क्रेडिटर्स और इनकम टैक्स पे तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यही चीज़ें आती हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो प्रोफिट में एडजस्टमेंट्स हो रही हैं ख़ा वो डिप्रिसिएशन की है खा वो लॉसेज की है ख़ा वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का हिस्सा है ये यह सब यहीं पर एडजस्टमेंट हो जाएंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एट टू नाइन बनता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ़ फिक्स एसेट्स। उसने बताया है क्वेश्चन में कि वो जो वर्किंग दी है कि कितनी एडिशन हुई है और कितनी डिस्पोजल हुई है डिस्पोजल की फिगर भी दी है आपने जो सेल किया है वो अट्ठारह थाउजेंड का ही था और जो परचेज़ किया है उसने मेंशन किया है कि आपने जो एडिशन की है वो कितनी अमाउंट की, की है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया ऑबियसली आउटफ्लो ज़्यादा है आपने एसेट्स ख़रीदे हैं कैपेसिटी बिल्ड की है और फ्राइन फाइनेंशिंग एक्टिविटी में बैंक ओवर ड्राफ्ट इश्यू ऑफ डिबेंचर अब ये बैंक ओवर ड्राफ्ट के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ अगर तो ये परमानेंट टाइप चीज़ हो गई है कि आप बैंक और ड्राफ्ट पर ही चलते हैं तो आप इसको यहाँ दिखा सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है आप इसको कैश एंड कैश इक्वेलेंट में भी ले जा सकते हैं कैश एंड कैश इक्वलेंट में यानी ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस डेबिट क्रेडिट में इकट्ठा करके भी दिखा सकते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है डिविडेंड पेड टू द माइनॉरिटी वर्किंग में देखेंगे कैसे आई है Dividend paid by holding company to the preference shareholders and dividend paid by holding company to the ordinary shareholders. Obviously ऑबियसली ये financing activity का है इसमें so, देखें debenture इशू किए उससे पैसे आए आपने बैंक से बोरो किया ओवर ड्राफ्ट वो पैसे आए बाकी पेमेंट्स आपने किए हैं डिविडेंड्स की तो वो उसमें से माइनस हो जाएंगी और नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश टेन पॉजिटिव में है और आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस था ट्वेंटी फाइव और क्लोजिंग बैलेंस हो गया थर्टी ये आपकी बैलेंस शीट में से फिगर आ रही है थैंक यू जी